फिर मैं गया पापा के आईसीयू के बाहर, ऐसे ही कॉरिडोर टाइप रहता तो वहीं बैठते थे अब उनके साथ वाले, ना तो कोई टेबल वेबल थी, सब वहीं चद्दर लगा के ऐसे बैठे रहते। तो फिर मैं भी बैठा तो मामा जी बोले कि चल तेरे को पापा से मिला देता हूँ। तो गाइस मेरे को तो अब डर भी लग रहा था, क्योंकि कोई भी हो अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। इंसान बिल्कुल पलंग पर लेटा हुआ है, उसके मास्क लग रहा है, पेट बिल्कुल पापा का इतना अंदर चला गया था कि मतलब लास्ट स्टेज रहती ना वो हालत थी बिल्कुल पापा की। तो मैं तो देख के ही डर गया, क्योंकि मैंने जब पापा को देखा था तब तो वो बिल्कुल सही थे, और एकदम से उनको ऐसा देखना तो मेरे लिए बहुत टेंशन वाली चीज़ थी। तो मैं अंदर गया, पापा को देखा तो पापा ने मेरे को देखा तो पापा बहुत खुश हो गए। तो पापा ने मेरे को पास में बुलाया, आशीर्वाद दिया, तो मेरे आंखों से आंसू आ गए पता नहीं क्यों। फिर पापा बोले कि पापा स्कूल के लिए आपको पता है कैसे थे वो। मेरे को बोले स्कूल गया था कि नहीं, मैंने कहा स्कूल तो गया था पापा। तो बोले फिर क्यों आया तू, स्कूल जाता ना। मैंने कहा आपसे मिलना भी था इसलिए आ गया था मैं। तो बोले कि चल ठीक है। उसके बाद मैं खड़ा खड़ा ही अपने आप को पापा की हालत देख रहा था, उनको दर्द हो रहा था और उनके मास्क लग रहा था, मुँह पे बोल भी नहीं पा रहे थे, आवाज़ सेटिंग से नहीं आ रही थी। तो मेरे को इतना रोना आ रहा था ना, मामा जी मेरे को बार बार चुप कर रहे थे, बोले पापा के सामने मत रो, अच्छा नहीं लगता, तू बाहर जाके रो लेना भली, पर अभी मत रो, तू अभी कंट्रोल कर खुद पे। पर मेरे से तो हुआ नहीं, तो मैं थोड़ी देर बैठा पापा के पास और बाहर चला गया। और मेरे को रोता देख के मेरे साथ में मामा जी और जितने भी लोग थे सबको रोना आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी मेरे पापा की। फिर मैं थोड़ी देर बाहर वेट किया और बाहर बैठा, इतना रोना आ रहा था ना मेरे को उस दिन, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा के सिवा और कौन था यार जिसका सपोर्ट हो मेरे ऊपर। तो डर लगता है ना कि मेरे पापा चले गए तो मेरा तो सपोर्ट ही चला जाएगा, बस वही डर अंदर था। और मैं बिल्कुल यही सोच रहा था, मेरे क्लासमेट्स को फ़ोन आ रहे थे क्योंकि उनको भी पता चला था, तो सब एक एक करके फ़ोन लगा के पूछ रहे थे कैसी है तबीयत। तो उनको समझाते समझाते बताते बताते भी मेरे को बहुत रोना आ रहा था। फिर थोड़ा सा टाइम निकला, 1-1.5 घंटा लगभग, तो डॉक्टर बोल गया ये इनकी रिपोर्ट निकलानी है, इनके ब्लड सैंपल लेना है। तो वो डॉक्टर ने इसके लिए भेजता रहता है थोड़े थोड़े दिन में। तो हम मामा के साथ गया, मामा को सब पता था, मामा और मम्मी दोनों लेके गए थे पापा को। तो हम गए तो इतना बड़ा हॉस्पिटल गए, इसके 2 चक्कर में ही मैं थक गया। मैं सोचा मेरे मामा मैं कितना कर रहे हैं मेरे पापा के लिए, मतलब मैं 1 घंटे में थक गया, मामा तो मेरे 6-7 दिन से रुके हुए थे, तो कितना कर रहे थे गाइस वो। फिर उन्होंने मामा ने बोला कि तू रुक जा, तू थक गया, मैं करवाता हूँ। तो उन्होंने सैंपल करवाए, बहुत दूर दूर जाना पड़ता सैंपल के लिए, रिपोर्ट करवाई, उन पापा के लिए ब्लड लाना था, ब्लड कम पड़ गया था, तो फिर ब्लड की व्यवस्था करवाई, कितनों को फ़ोन लगाया, फिर भी व्यवस्था हो गई थी। तो लगभग रात को मैं फिर गया पापा के पास, हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर गया मैं पापा के पास। थोड़ी देर बैठा, उनको मतलब हाथ पाँव दर्द कर रहे थे, मुझे पाँव दबा रहा था, बिल्कुल इतने पतले पाँव हो गए थे ना पापा के कि मेरे को अजीब भी लग रहा था, क्योंकि मैं पहले भी पापा के पाँव दबाता था, पापा के पाँव क्योंकि ऑफिस से आते थे ना तो बहुत दर्द करते थे उनके पाँव, तो मैं उनके पाँव दबाता था ना, तो ऐसा कुछ नहीं लगा। पर उस दिन मैं देखा पापा के पाँव कितने डाउन हो गए, इनकी हालत मतलब, तो सोच के ही घबरा रहा था मैं। फिर मैंने थोड़ा देर बैठा उनके पास, फिर देखा तो उनकी हालत तो ख़राब होती जा रही थी, उनका कभी दर्द यहाँ हो रहा हाथ में, कभी वहाँ, और उनके एक ही हाथ में 3-3 बोतलें नली पता नहीं क्या क्या लग रहे थे उनके, जो दोनों हाथों में से ही लगे हुए थे, नाक में अलग नली, मास्क लग रहा था। तो उनसे तो ना तो हिला रहा था कुछ भी, क्योंकि वो हल्का सा भी हिलता तो वो नली या कुछ भी घिंचा जाता था, और उनको करवट लेने का मन था। और आप लोगों को भी पता है कि अगर हम एक जगह सोए सीधे तो हमसे नहीं रहता, हम थोड़ी बहुत करवट लेता रहते हैं, और वो तो कब से लगभग 3-4 घंटे से ऐसे ही सोए थे, तो हाथ पाँव में दर्द भी कितना होता है। तो बस वो बार बार कोशिश कर रहे थे उसको करवट लेने की, डॉक्टर उनको चिल्ला रहा था। मैंने भी समझा पापा ऐसे मत करो, आपकी वो कुछ निकल जाएगी, और वो या आईसीयू में एक मशीन रहती है गाइस, आप मैंने ज़्यादातर सीरियल और मूवीज़ में देखा उसको, उसमें वो लाइन चलती रहती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जब वो प्लेन हो जाती है तो इंसान ख़त्म हो जाता है। मैं वो लाइन को देखकर डर रहा था, मैं किसी टाइम तो वो लाइन प्लेन भी चल रही थी गाइस, तो मैं डर रहा था बार बार। मैं पापा को बोल रहा था पापा आप हिलो मत प्लीज़, क्योंकि वो मशीन और उस मशीन की आवाज़ बिल्कुल टी यू करती रहती है, तो मैंने जो मूवीज़ में देखा था वही ख्याल आ रहे थे दिमाग में। फिर मैंने पापा को जैसे तैसे हल्का सा करवट दिलवाई वो नली वाली सही करके, फिर वापस उनके तो दर्द होने लग गया, फिर उनको इधर करा उधर करा, ऐसे करते करते मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा कैसी हालत हो गई मेरे पापा की। फिर मैं उनके हाथ पाँव दबाया, बार बार उनका सिर दबाया, तो मतलब पापा को थोड़ा सुकून तो मिला। पापा मेरे को बार बार बोले बेटा मेरे को थोड़ा घुमा के लिया, पर मैं कैसे ले जाऊँ, इतनी नली थी उनके हाथ में गाइस कि एक एक चीज़ पकड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है, उनकी मशीन लग रही है, और आईसीयू में से किसी इंसान को उठाना, और ऊपर से आईसीयू में आसपास मैंने देखा ना
तो किसी इंसान की तो हालत ऐसी हो गई थी कि वो हिल भी नहीं रहा था, बस उसके मास्क लगा के बस लेटा हुआ था, और ना तो हिल रहा ना उसके पास वाले उसके पास बैठे हुए लोग। तो मैं ये देख के घबरा था, चलो मेरे पापा हिल तो रहे हैं, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, ऐसी हालत तो नहीं। मैं यही खुद को सुकून दे रहा था, हिम्मत दे रहा था। फिर पापा बार बार मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा गार्डन में घुमा के लिए। मैं कहता पापा आप थोड़ा सा सही हो जाओ ना, मैं आपको गार्डन के पूरा उदयपुर घुमा दूंगा। पापा फिर बोलते हैं अरे थोड़ा सा घुमा देंगे, यहीं सब घुमा के लिए। तो कहता पापा मैं कह रहा हूँ ना आपको पूरी जगह घुमा के लाऊंगा, बस थोड़े से सही हो जाओ, आप थोड़ा सा आराम कर लो। फिर पापा अब मतलब लगभग ऐसे बातें करते करते मेरे को 1-2 बज गई। तो अब मेरे को बार बार घर वाले बोले तो जाके सो जा, पर मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैंने कहा कि चलो सो जाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि पापा को भी थोड़े आराम की जरूरत थी। पापा को नींद तो नहीं आ रही थी, वैसे थोड़ी थोड़ी देर में जग रहे थे, और नर्स भी चिल्ला रही थी, पर रात का समय था तो नर्स भी बार बार पापा को चिल्ला रही थी कि शांतिलाल जी आप थोड़ा धीरे बोलो, शांतिलाल जी थोड़े सो जाओ, आप आवाज़ मत करो। फिर नर्स ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया उनको ऐसा, तो उनको नींद आ गई। अब उनको नींद आ गई, मैं डर गया पहले तो। फिर नर्स बोले कि इनको सोने का इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर सो जाएंगे। तो फिर भी उनको इंजेक्शन दिया ना गाइस, तो उसके भी थोड़ी देर बाद फिर वो उठ गए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था कि उनको नींद तक नहीं आ रही थी। फिर मैं जैसे तैसे जाके सोया टेंशन में, तो फिर रात का टाइम था, थक तो गया था, तो नींद आ गई भी तो अच्छा हुआ, नींद आ गई। तो सुबह लगभग 6:30-7 बजे फिर से नींद खुल गई मेरी। तो मैं गया तो देखा था पापा को, वो एक मशीन रहती है, वो एक तो मुँह में नोज़ल डाल रखा था उसका, और बिल्कुल मतलब कि पापा मुंह में नोज़ल डाल रखा है, मशीन चल रही है, पापा की मतलब सांसें भी उस मशीन से, वेंटिलेटर पे लगा दिया था पापा को, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया था। तो अब मेरा तो देख के दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं मम्मी से, मम्मी कहा तो मम्मी बोले वेंटिलेटर पे चढ़ा रखा। मम्मी कहा क्यों? तो बोले उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनको वेंटिलेटर पर चढ़ा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। और मैंने जब बचपन से यही सुना है कि जो लोग वेंटिलेटर पर जिनको लेटा देते ना उसके बाद वो कभी ज़िंदा नहीं बचते, तो मेरे दिमाग में टेंशन आ गई थी ये भी, क्योंकि हमारे इधर बहुत लोग ऐसे ही जा चुके हैं। तो मैंने सुना था कि उनको वेंटिलेटर पर रख रखा, और फिर एक दो दिन क्या कुछ ही घंटों में ये भी सुना कि मुझे डेथ हो गई, तो मैं डर गया था बहुत। फिर तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही पापा को देखने की, सब कह रहे थे पापा के पास चले जाओ। अब मैं जाने का तो बहुत मन था, पर नहीं देखा रहा था मेरे से पापा को ऐसा, तो मैं गया ही नहीं। अंदर बाहर से झांक रहा था बस पापा को, अंदर जाने की तो हिम्मत थी नहीं, बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर घर वाले बोले चल नाश्ता कर लेते, तो मेरी हिम्मत नहीं, लगभग 10-10:30 बजे का टाइम था, तो मैंने तो मना कर दिया। फिर हमारे कोई रिलेटिव डॉक्टर थे, उनको बुलाया था वहाँ से, वहीं उदयपुर में रहते थे, तो वो आए, तो वो मामा उनको साइड में लेकर बोले कि वो ले गए, उनको ये नहीं पता मैं भी खड़ा हूँ, तो मैं भी गया पीछे पीछे, किसी को पता नहीं था, मेरे सामने बात नहीं करनी थी उन लोगों को, तो भी मैंने सुन लिया। तो बोले कि देखो वेंटिलेटर पर रख रखा है, अब तो 99% चांस तो नहीं है बचने के, 1% चांस अब वो दुआओं से कुछ हो जाए तो। तो मैं तो मतलब होश उड़ गए मेरे, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने हिम्मत रखी, थोड़ी मैं भगवान से इतनी प्रेयर करी, इतनी मन्नतें मांगी, मैंने कहा भगवान सही हो जाएंगे तो ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा, कितने भगवानों को, मतलब एक भगवान को नहीं, लिटरली गाइस 1000 भगवान को मैंने कह दिया होगा कि मैं आपको ये कर दूँगा, बोलो बस मेरे पापा को सही कर देना। पर फिर भी मैं हिम्मत रखी, मम्मी भी रो रहे थे, मैं मतलब साइड में जा जाकर रो रहा था बिल्कुल, मैं बार बार वॉशरूम के बहाने जाता और वहीं रो के आता, क्योंकि मैं घर वालों के सामने रो रहा, और लड़के वैसे भी नहीं रोते हैं घर वालों के सामने, और हिम्मत रखनी थी तो मैं बिल्कुल घर वालों को सामने नहीं रहा, पर मेरे घर वालों को समझ में आ रहा था कि मैं साइड में जा जा के रो रहा हूँ। तो बार बार मेरे को मौसी ने ये लोग हिम्मत दे रहे थे, पर मैं क्या करता गया, नहीं रह पा रहा था मेरे से ऐसा, और पापा को तो देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैं जैसे तैसे 1-2 बार और पापा के पास जाने की कोशिश करी, पर मेरे से तो रहवाया नहीं, वापस बाहर आ गया मैं तो। फिर मेरे को घर वालों ने बोला कि चल कुछ खा लें, और जब घर में अपने घर वाले की हालत ऐसी हो तो कुछ खाना भाता भी नहीं है, फिर भी मेरे को ज़बरदस्ती लोग ले गए मामा लोग और ये सब कि चल नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो फिर गया उनके साथ जैसे तैसे, थोड़ी देर बैठा, तो वो उन्होंने खाने का ऑर्डर किया, मेरा तो मन नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा चखा, और मैंने कहा कि चलो ऊपर चलते पापा के पास। तो लगभग 11:40 का टाइम था, तो मैंने कहा चलो। तो अब घर वालों को तो पता चल गया था कि शायद पापा नहीं रहे, पर मेरे को नहीं बता रहे थे वो लोग, मैं नाश्ता ही कर रहा था और पापा की डेथ हो गई थी, तो मेरे को तो बताया नहीं उन्होंने कुछ। पर रास्ते में जाते जाते मेरे जो मम्मी के काका जी लगते हैं, अंकल बोले तो, उनको एकदम से रोना आ गया, क्योंकि वो पापा के साथ रहते थे हमेशा ज़्यादा, और एक मोसाजी दोनों साथ में ही रहते थे तीनों, तो उनको रोना आ गया। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो बोले कि वो बेटा आप तो हिम्मत रखना। मैंने कहा क्या हुआ काका जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले कि अब तेरे पापा नहीं रहे। तो मैं तो रोड पे ही दिमाग ख़राब हो गया, पर उस टाइम मेरा आँसू नहीं निकले,
उस टाइम मेरे को अंदर से रोना आ रहा था पर आंसू नहीं निकले पहली बार। फिर मैं जैसे तैसे गया तो अंदर तक ले गया मेरे को, मेरे मतलब कैसा समझाऊँ मैं कैसा था उस टाइम, बस मैं चल रहा था कुछ दिख नहीं रहा था मेरे को, अंदर अजीब खलीब ख्याल आ रहा था मेरा क्या होगा, मेरा कौन रहेगा, मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि पापा के बिना ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है ये जिसके पापा नहीं, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सके। जैसे तैसे मैं गया पापा के आईसीयू तक, तो मेरे को काका जी बोले कि जा पापा को आखिरी बार देख ले। मैं बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा था पापा के पास, मैं जैसे ही पापा के सामने गया तो पापा की हालत ऐसी थी कि उनके मुँह में वो नोज़ल लगा रखा था, मैंने आपको बताया, तो वो नोज़ल निकाला तो उनका मुँह तो डेथ हो गई इंसान की, तो बेसा बेसा दिखा, तो उनका मुँह ओपन था बिल्कुल, मतलब इतना डरावना मंजर था ना मेरे लिए वो, कि मैं देख के ही घबरा गया बिल्कुल। पापा हिल नहीं रहते, मेरे तो रोना आ गया, आसपास में आईसीयू में और भी लोग तो मेरे को देख रहे थे पर मेरा तो रोना कंट्रोल में, ऊपर मैं बाहर आया और फिर मूसा जी एकदम से आया और मेरे को गले लगा कर जोर से रोने लग गए, तो मेरा रोना बाहर निकल गया और ज़्यादा। और उस टाइम मेरे फ्रेंड का भी फ़ोन आ रहा था, अक्षित नाम है उसका, तो वो वैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि क्या वो पापा की हालत थोड़ी देर पहले मैं कहा था कि अभी ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा पर इनकी सांसें तेज चल रही है तो थोड़ी देर से होगा, तो मैंने उसको यही बताया था कि ऑपरेशन अभी थोड़ी देर में होगा फिर मैं लगाता हूँ जैसा भी होगा। तो फिर मैंने ये पूछा कि पापा की तबीयत कैसी है, उनका ऑपरेशन मतलब होना था तो हो रहा है कि यही लगाने के लिए पूछा होगा, यही पूछने के लिए फ़ोन लगाया उसने, मैंने कॉल उठाया तो एकदम से मेरे को तो रोना आ रहा था, तो पूछे क्या हुआ कैसे था, तो मैंने कहा अच्छे थे यार पापा नहीं रहे, तो वो बोले अरे ऐसा थोड़ी नहीं होगा, एक बार डॉक्टर को बोल वापस चेक करें, मैंने कहा अरे भाई मैं खुद ही देख के आया पापा अब नहीं रहे, तो वो बोले यार मैं तो अभी प्रेयर करके आया पापा के लिए अगरबत्ती लगा के आया, तो मैंने कहा देख मैंने भी बहुत प्रेयर करी थी पर हुआ कुछ नहीं, और वो भी रोने लग गया, और उसको रोता देखो और ज़्यादा रोना आ गया मुझे। उस टाइम मेरी हालत और ख़राब हो गई थी क्योंकि हर कोई मेरे सामने रो रहा था, मैं कंट्रोल करूँ तो नहीं, फिर लोगों ने यहाँ साथ वालों ने मेरे को समझाया कि तेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा, तेरे को घर जाके भी नहीं रोना है क्योंकि तेरे को ही घर संभालना है, आप तो बिल्कुल भी नहीं रोना और तेरे को ही सब करना है आप। तो अब मेरे पापा जी के जो मेरे पापा का जो परिवार है ना वो थोड़ा मतलब ना के बराबर है, वो रखते नहीं इतना कुछ, तो कार्यक्रम की बात हुई कि कौन करेगा कार्यक्रम, वहीं पे बात हुई कहाँ ले जाए पापा का अंतिम संस्कार कहाँ करें, तो उन्होंने तो मना कर दिया बड़े पापा ने कि आप लोगों के यहीं करो, तो फिर नानी जी के यहीं करा क्योंकि हमारा सपोर्ट में कोई तो था नहीं, पर नानी जी का घर का सपोर्ट बहुत है मेरे, तो मामा जी और हम सब वहीं गए, फिर वहीं तैयारी कर रखी थी उन्होंने सब अंतिम संस्कार की, फिर पापा को लेकर घर, इतनी भीड़ थी जमा थी कि मैं देख के ही रोना आ रहा था, मतलब पूरे रास्ते को रोते रोते गए, इतने फ़ोन आ रहे थे मेरे पास, उनको सबको खबर करनी थी कि पापा नहीं रही, तो हर एक इंसान को फ़ोन लगाते लगाते रो रहा था मैं, फिर भी जैसे तैसे मैंने कहा ये सब और घर गए, और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मेरे को भैया ने गले लगा लिया और मैं फिर से रोने लगे क्योंकि मैं कंट्रोल करूँ तो क्योंकि इतना मेरे सामने कोई रोएगा तो मेरे को रोना आएगा ही सही ना, तो मैं इतना रोया ना उस दिन। पर जैसे ही पापा को सामने कमरे में ले गया और लेटाया और उनको आखिरी टाइम में नहलाते हैं और कपड़े में पहनाते हैं सफ़ेद कपड़े में कुछ रहता है और तो उनके सिर पर दीपक वीपक लगाते हैं, पर ये सब प्रथाएं जो करते हैं तो कर रहे थे, उस टाइम मेरे को बिल्कुल रोना नहीं आ रहा था, मतलब अंदर से रोना आ रहा था पर मैं बिल्कुल सजने में चला गया, बस एक जैसा बैठा हुआ था ना हिंदू ना ढूंढा, सब रो रहे मेरे आगे के सामने, मम्मी रो रहे नानी जी रो रहे, मतलब घर के हर एक इंसान रो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर था उस टाइम, तो घर का पूरा माहौल ही बहुत ज़्यादा सीरियस चल रहा था और मैं तो पता नहीं क्या ही हो गया था कि बस बैठा हुआ था, ना तो सोच रहा कुछ ना हिल रहा ढुल रहा, बस पापा को देखे जा रहा था, सब लोगों को लग रहा था इसको क्या हो गया, पर वो रहता है ना ऐसा सबको लगता है इसको सदमा तो नहीं लग गया ऐसा कुछ हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरे को खुद को नहीं पता क्या था वो। फिर पापा को ले जाने की बारी है तो बाहर ले गए पापा को अंतिम संस्कार, फिर वो मम्मी की चूड़ी वूड़ी तो वो देख के मेरे को रोना आ गया, मैंने वो सब पिक्चरों में देखा था ना तो अजीब लगता है थोड़ा, मतलब तो मम्मी के भी कोई नहीं रहा मेरे भी कोई नहीं रहा, हम कैसे घर संभालेंगे कैसे क्या करेंगे सब। फिर पापा को ले जाने की बारी आई तो मेरे हाथ में मटकी पकड़ाई, फिर मामा जी मेरे को आगे आगे ले कर चल रहे थे, पर मेरे तो कुछ ध्यान नहीं था बस चले जा रहा था, मैं कह रहा हूँ ना गाइस मेरा दिमाग कहीं और था, मैं बस कुछ भी नहीं सोच रहा था कुछ भी नहीं देख रहा था बस चलने जा रहा था ज़बरदस्ती। फिर गाड़ी शव यात्रा के लिए वाहन आता उसमें पापा को ले गए आखिरी टाइम पर, रास्ते में फिर उतारा उनको तो मौसी भी आ गए थे, तो वो देख के रोने लग गए, मतलब हर रोते इंसान को देख के मेरे को रोना आ रहा था, पर मैं जब अकेले में था तो मैं कंट्रोल कर सकता था, मतलब सबके सामने नहीं हो रहा था मेरे को। फिर
ऑफिसर भी उनके अंतिम संस्कार के लिए जब उनको लेकर उनके ऊपर लकड़ी रख रहे थे, घी भी लगा रहे थे उनके शरीर पे, तब वो धुन आ रहा था मेरे को, और मैंने बिल्कुल कंट्रोल कर, किसी के सामने कुछ नहीं रहा, मेरे दोस्त लोग आए थे मैं से बात करते, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, मतलब मैं ये चाहता था कि किसी को ये नहीं लगे कि मैं रो रहा हूँ या कमज़ोर पड़ रहा हूँ, पर अंदर से कमज़ोर हो जाता उस वाला। फिर बारी आई पापा को वो अग्नि देने की, तो सब लोग आए घर के अग्नि देने के, तो मैं जैसे ही अग्नि दी तो मेरा तो रोना बहुत ज़्यादा ही जोर से निकल गया उस टाइम, तो मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, मेरे मामा जी पास में खड़े थे, उन्होंने मेरे को कंधे पर हाथ रखा, थोड़ी हिम्मत देने की कोशिश की, पर मैं कैसे हिम्मत रखता, मेरी तो हिम्मत ही चली गई थी, हिम्मत ही टूट गई थी। फिर भी जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, वहाँ पर फिर बाल बाल देते हैं वो सब करवाया, उस टाइम मेरे दोस्त आए थे वो मेरे को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी हंस रहा था पर वैसे नहीं हंस रहा था, बस ऊपर से हंस रहा था, बहुत हिम्मत फिर रखी थी गाइस उस दिन। तो मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने इतनी हिम्मत कैसे रख ली, क्योंकि मैं ना नाजुक दिल का लड़का हूँ, मेरे साथ कुछ भी होता ना तो मेरे को रोना निकलता है, मैं किसी इंसान के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, मैं बहुत नाजुक दिल का इंसान हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सहन कैसे कर लेता हूँ मेरे को खुद को नहीं पता। फिर जैसे तैसे तो घर गया मैं, मम्मी के पास गया, मम्मी को देखा तो मम्मी की हालत भी ऐसी हो रही थी रो रो के, मैंने मम्मी को बोला चलो कोई नहीं अब अपन करेंगे जो भी होगा, अब करना तो है ही सही, पापा नहीं गए तो अब क्या कर सकते हैं, वापस तो ला नहीं सकते रो के। उस दिन पर मम्मी को भी हिम्मत दी, बाहर का अच्छा खाना वाना खिला के सबको वो सब करा, उसके बाद आई सबसे बड़ी मुश्किल मिले था रात को। फिर मैं तो जैसे तैसे भैया और इनके पास गया, वैसे तो पर इनको तो सबको नींद आ गई थी पर मुझे नींद आया क्या, मैं तो बिल्कुल उस रात को इतना भयंकर रोना आया ना गाइस, मेरे को मैंने अपनी आवाज़ बंद करके मुंह पर हाथ रख के रोया, मेरे चीखें निकल रही थी पर मैंने कंट्रोल करा खुद का और बिल्कुल धीरे से रोया, बहुत कंट्रोल करके उसे इतना रोना निकला, मैंने कहा कोई देखने लेकर जाते नहीं था, क्योंकि दूसरों के सामने रोना हमें थोड़ा अजीब लगता है, हम लड़के ना सबके सामने नहीं रो सकते ना गाइस, अकेले में ही रो रहा था मैं, हिम्मत रखी फिर भी बहुत, जैसे तैसे सुबह हुई, फिर वो रखा चलती है कुछ, सुबह उठ के ये पापा को खाना रखना और करना, तो उन सब का मैं रोना आता था मेरे को, बोले कैसे हो गया, मैं पापा को रोज सुबह खाना रखता था, पापा ऑफिस जाते थे और आज भी उनको खाना रखना, पर कितना फ़र्क है, आज वो है ही नहीं मेरे सामने, बस उनको तस्वीर को खाना खिलाना है, मतलब बेटे के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि बाप के चले जाने के बाद सब कुछ संभालना, और मेरे लिए भी थी और है गाइस अभी भी, क्योंकि अभी भी ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 साल ही हुआ है पापा को गए हैं, पर मेरे को सब संभालने में अभी भी मेरे को पापा की बहुत याद आती है हर एक काम में, क्योंकि मेरे ऊपर जब भी चुनौती आती है जिम्मेदारी आती है तो मैं सोचता हूँ काश पापा होते तो मेरे को इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता ना। तो जो उनके कार्यक्रम की बात हुई तो मैंने आपको बताया कि मेरे मामा जी ने ही सब कुछ करा, मेरे नानी जी परिवार में सब मेरे 5 मामा, 5ों मामा बहुत अच्छे मेरे, सब काम उन्होंने ही करा मेरा, मतलब मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनको कुछ करने भी नहीं देते थे, बोलते तू बस बैठ जा तू बता दे तेको क्या करवाना है मैं सब कर देंगे, उनको मामा जी ने ही सब संभाला, पापा का कार्यक्रम सब उन्होंने ही किया और बहुत अच्छे से किया उन्होंने पापा का कार्यक्रम, बिल्कुल कुछ पैसों का नहीं सोचा, सब काम मेरे अच्छा किया, मतलब कोई यूँ नहीं कह सकता कि कार्यक्रम में ये कर रखा, क्योंकि समाज वालों की आदत रहती है ना कि उन्होंने खाना ऐसा बना तो करा, मतलब हमारे इधर से कोई शिकायत नहीं है, सब काम बहुत बढ़िया करा उन्होंने और सारा पैसा उन्होंने अपनी जेब से दिया, क्योंकि हमारे तो उस टाइम हालत नहीं थी कि कुछ पैसा बचा भी नहीं था, पापा के इलाज में लग गया था सब थोड़ा बहुत था तो वो निकाल दिया था बस, उसके बाद सारा काम मतलब मेरे मामा ने बहुत अच्छा किया, मैं आज भी सोचता हूँ मेरे को इतना खुश नसीब हो कि मेरे मामा इतने अच्छे मिले। वैसे गाइस मैं आपको बता दूँ ये मेरे सेकेंड मामा जी, मतलब मेरे जो फर्स्ट मम्मी थे ना वो मेरे पैदा होने के 4-5 साल बाद ही शांत हो गए थे, तो वो मेरे फर्स्ट वाले मामा जी थे, वो अभी भी उनसे भी बातचीत होती है मेरी, पर फिर पापा ने मैं छोटा था तो फिर घर वालों ने पापा को बोल दिया कि तू सेकेंड शादी कर ले ताकि बच्चे का ध्यान रखने के लिए भी कोई आ जाएगी, तो फिर पापा ने सेकेंड शादी की थी और ये मेरे सेकेंड मम्मी है, पर मेरे को नाना जी के इधर से कभी नहीं लगता कि मेरे सेकेंड नाना जी है, क्योंकि सोतलापन दिखता ना वो यहाँ नहीं दिखता कभी मेरे को, सब अपने जैसे ही सब अपने ही है मेरे वहाँ से, इतना अच्छा काम कराना उन्होंने मेरा, सब कुछ साथ दिया, अभी तक साथ देते हैं वो मेरा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस गाइस यही थी मेरे पापा की कुछ स्टोरी, बाकी और तो मैं जो भी है आपको बताऊँगा बहुत जल्द कि उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मेरे को अभी भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही, उन सब के लिए तो मैं अलग से टाइम निकाल के बिल्कुल आपको बताऊँगा, पर अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और मुझे माफ़ कर देना कि बहुत टाइम से वीडियो आ नहीं पा रहे हैं,
कुछ प्रॉब्लम चलती है गाइस। अभी देखो मैं घर में, मैंने बताया कि मैं अकेला ही हूँ तो मेरे को ही सब संभालना पड़ रहा है, तो मेरे ये टाइम निकालने के लिए मेरे को थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं इसके लिए भी एक अलग शेड्यूल बनाऊंगा और उस टाइम पे वीडियो निकालूंगा। पर आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।